अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कांदा भजी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। हमने साठ प्याज लिए हैं और हरा धनिया, 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, सोडा पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी हम प्याज को इस तरह से कट कर लेंगे। इस साइज में प्याज को कट करें ऐसे। इसी तरह हम सारे के सारे प्याज कट कर लेंगे। अभी हम प्याज को इस तरह से क्रश कर लेंगे। हरा धनिया काट के, कुटा हुआ धनिया, जीरा, नमक डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, बेकिंग सोडा। इसे मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें बेसन डालेंगे। दो कप बेसन लिया है। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें पानी ना डालिए क्योंकि हमारा जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ने लग जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम नया तेल को गर्म होने रख दिया। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे ये बैटर। इसी तरह हम सारे के सारे बनाते हैं। एक बार में जितने ना आप उतने ही डालिए। इस तरह से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लें। हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे कांदा भजी रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बना है। आपको अच्छा वीडियो, ये बहुत ही यम्मी बना है और बहुत ही टेस्टी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप इस बारिश के मौसम में इस भजियों को ज़रूर ट्राई करें।